आज हम जन्मादि महिला संगठन और CITU और EIAWU संगठन वालों ने हम प्रेस मीट कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि ये बहुत बहुत महत्विक समय में हम हैं और बाई इलेक्शन हो रही है पूरा कर्नाटक में। हमने डिसीजन लिया है कि इस इलेक्शन में BJP को हराना है और हम मतदान लोगों को भी हम विनंती कर रहे हैं कि आप BJP को हराओ। इसका कारण ये है कि BJP पार्टी हमारे देश को बेच रहे हैं। जो एग्रीकल्चर एक्ट लाए हैं वो हमारे किसानों का खिलाफ एक्ट है। सिर्फ किसानों का नहीं, हमारे पूरा देश का खिलाफ एक्ट है। इसके साथ साथ पेट्रोल डीजल गैस का रेट बढ़ गया है और हमारे देश का जो संपत्ति है, जो पब्लिक सेक्टर है, वो पूरा बेच रहे हैं। आप एयरपोर्ट ले लो, रेलवे ले लो, BEL ले लो, जो भी है पब्लिक सेक्टर, वो पूरा अदानी अंबानी को बेच रहे हैं। वो सिर्फ बोल रहे हैं नाम पे कि मोदी जी बोले हैं मैं चौकीदार हूँ, मगर वो सही चौकीदार किसका है? वो सही चौकीदार है अदानी अंबानी का। इस देश का चौकीदार नहीं है, इस देश का गरीबों का चौकीदार नहीं है, और इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सेकुलरिज्म है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का चौकीदार नहीं है। उन्होंने प्रूव किया वो चौकीदार है अदानी अंबानी का। और हमारे बसवकल्याणी और अलग दो क्षेत्र में भी BJP का कैंडिडेट जो कॉन्टेस्ट करे है कि बसवकल्याणी का कैंडिडेट भी कह रहे हैं मुझे सेवक कर लो, सेवक सेवक बोले तो सर्वेंट, तो आपके लीडर बोले हैं चौकीदार और पूरा देश लूटे। और हमारे 28 बैंक पूरा लूट कर वो ललित मोदी, नीरव मोदी सभी लोग भाग गए। आप चौकीदार नाम बोलते बोलते इधर ही ठहरे और आप सेवक बनके क्या करने वाले हैं? सेवक बनके हमारे गैस डीजल पेट्रोल का रेट कम करने वाले हैं क्या? इसके बारे में बात करो, सेवक गिवक का बात छोड़ो। आप क्या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है? हमारे यूथ्स पूरा रोड के ऊपर है कि उनको एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं क्या? अगर देने वाले हैं तो कैसे देने वाले हैं, कहाँ कहाँ के देने वाले हैं बताओ। आप एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करो, आप रोजी ये बढ़ रही है पूरा रेट बढ़ रही है उसके बारे में बात करो, और 3 एक्ट हमारे किसानों का खिलाफ लाए हैं उसके बारे में बात करो। हमारे गरीब लोग रोड के ऊपर आए हैं, KSRTC के एम्प्लॉयज को आप लोग धमका रहे हैं, उनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है, और आप बोल रहे हैं सेवक कर लो। आपका बोलने का और आपके टोन में भी, आपकी ध्वनि में भी वो धमकाने का ध्वनि है, मुझे सेवक बनाओ। देखो आप इस देश में अगर चुनाव में लड़कर जीत के आते तो उसके बाद आप धर्म के बारे में बात नहीं करना चाहिए। क्यों? धर्म हमारे निजी का बात है, अपने अपने धर्म अपने अपने घर में इज्जत करते हैं, उसके ताल्लुकात उन्हें चलते रहते हैं, मगर आप धर्म और पॉलिटिक्स दोनों जोड़कर लूट करना चाहते हमारे देश को। ये छोड़ो, ये बात है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ का बात है। और इस BJP का अभ्यर्थी को हमने ये पूछना चाहते हैं कि आपका ही पार्टी वाले महिलाओं के बारे में अगौरव उनका चाल चलन है, इंसिडेंट हो रही है, CD का इश्यू आ गया है कि आपका ही पार्टी का एक मिनिस्टर ऐसा महिला के साथ गैर वर्तन करे है, उसके बारे में आप क्या बोलते? महिलाओं को क्या नाम लेकर आप वोट मांगते बोलो हमें। और आपका ही पार्टी हमारे अनुभव मंडप, हमारे शरण बोले हैं बुद्धा, हमारे बसवण्णा, मादार चन्नैया, डोहार कक्कया सभी लोग बोले हैं कि स्थावर कलिवुंटु, मैं कन्नड़ में कह रही हूँ, स्थावर कलिवुंटु जंगम कलिविल्ला, मतलब क्या है? ये बिल्डिंग तो एक दिन नाश हो जाएगा। जंगम बोले तो तत्व है, क्या तत्व? कौन सा तत्व, कौन सा इज्म? वो तत्व है हमारे शरणों ने हमें दिया है कि सकल जीवात्मर के लेसो, सबके लिए हित करना, सभी को एक मानना, जात पात भेदभाव नहीं करना, धर्म का भेदभाव नहीं करना, महिला पुरुष और अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करना, सभी को एक मानना, इक्वालिटी लाना, यही हमारे तत्व है। आप इसके बारे में बात करो, आप बिल्डिंग का बारे में बात मत करो कि आप अनुभव मंडप हम इतना बड़ा बना रहे हैं, इतना करोड़ रुपया हम दे रहे हैं, हमें वोट दे दो। अरे आप तो लिंगायत प्रत्येक धर्म का खिलाफ है आप लोग, आपको कैसा वोट देते हैं लोग ये बताओ। आप बोलते हैं लिंगायत प्रत्येक धर्म हमें परमिशन नहीं देते, तो आप लिंगायतों में जाकर आप वोट मांगते हैं। हम हाथ जोड़कर हमारे 770 जो
अमर गणंगल कहते कन्नड़ में, मतलब कायक जीवी अलग अलग काम करने वाले हमारे शरण संकुल है। हमारे शरण संकुल को हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, ये मनुस्मृति वाले हैं बाबा, ये बीजेपी वालों को वोट मत दो, ये कभी हमारे वचनों का साथ नहीं है, लिंगायत प्रत्येक धर्म का साथ नहीं है, लिंगायतों का साथ नहीं है, ये महिला खिलाफ है, ये मजदूर खिलाफ है, ये किसान खिलाफ है, फर्टिलाइजर का रेट ज़्यादा करे है और 3 महिला किसान विरोधी कानून लाए हैं और इनका ही पार्टी के लोग कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन निकालने के लिए, बदलाव करने के लिए आए हैं। इसके बारे में एक कैंडिडेट क्या बोलते हैं कि उनका पार्टी का एजेंडा उन्हें चेंज करते क्या, कि उन्होंने ऐसा बात करते करते कल बसव कल्याणी तक आए हैं और हम उनको ये कहना चाहते, देखो बसव कल्याण 12th सेंचुरी में उनका जान दिए मगर कभी इज्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर लिया, किसी के उनका झाल में नहीं गिरे हैं हमारे शरण लोग, वैसा कल्चर हमारे बसव कल्याणी का कल्चर है। इसलिए आज हम संगठन वाले हमने लोगों को विनंती कर रहे हैं, आप बीजेपी को वोट मत दो, ये पूरा देश बेचने वाले हैं। आपके घर में जाकर सिलेंडर देखो थोड़ा, पहला 400 450 था, अभी इसका 900 का ऊपर हो गया, कि कैसा एक सिंगल वीमेन और गरीब लोग, एक ऑटो चलाने वाले, साइकिल रिक्शा चलाने वाले कैसा खा सकते हैं, रसोई कैसा कर सकते हैं, पूरा रेट ज़्यादा हो गया। इसीलिए हमने आज इलेक्शन के समय में ये बहुत इम्पॉर्टेंट मौका है, पॉलिटिकल तीर्मान लोग लेना चाहिए, ऐसा पॉलिटिकल निर्णय लेते समय कभी वो लोग बीजेपी का झाल में नहीं गिरना चाहिए। इसीलिए आज हम विनंती कर रहे हैं, बीजेपी को हराओ देश बचाओ, मनुस्मृति को हराओ हमारे वचन साहित्य को बचाओ, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। बीजेपी को हराना है तो जिताने किसे चाहते हैं? देखो जो बीजेपी को जिताने वाले हैं, देखो कांग्रेस और जेडीएस, हम इसलिए इनका अभी नहीं बोले हैं, कल और परसों हम फिर प्रेस को आ जाते हैं कि जो बीजेपी को हराने वाले हैं कि उनको हमारे लोग वोट देना चाहिए, हाँ जो बीजेपी को हराने वाले हैं, और जिनको वोट देते हैं उनको लोग भी ये आग्रह करना, इस कॉन्स्टिट्यूशन को आप बचाने वाले हैं तो हम आपको वोट देना चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, हमारा हक हमें रखना चाहिए। जेडीएस भी है ना, जेडीएस कभी एक बार पूछे हैं हमारे कुमार स्वामी जी, शायद हमारे ही बसों कल्याण में है, व्हाट इज सेकुलरिज्म, पूछे एक बार, उनको भी बोलना पड़ेगा सेकुलरिज्म अगर आप कायम रखना चाहते तो तभी बात करो। और कांग्रेस है ना, ये कांग्रेस भी इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन को कायम रखना चाहते हैं और ये बीजेपी का जो एजेंडा है इसके खिलाफ अनकॉम्प्रोमाइज उन्होंने अगर स्ट्रगल करते हैं तो वो भी मतदारों के सामने आकर बोलना पड़ेगा जो बीजेपी को हराना चाहते हैं। नहीं बीजेपी को नहीं, लोग बहुत नाराज हो गए हमें वोट आता बोलकर, अगर आप ऐसा मानते, वैसा नहीं है, मतदार जागृत होना पड़ेगा, मतदार उनका एजेंडा ये पार्टी वालों के सामने रखना पड़ेगा, इसके बारे में बात करो तो ये हमारे वोट ले लो, ये बोलना पड़ेगा। आपका कैंपेन कहाँ पे चल रहा है? देखो बस हमारे कैंपेन वैसे 3 कर्नाटक में 3 बाई इलेक्शन हो रहे हैं ना, दोनों बाई इलेक्शन के जगह में भी हमारे संगठन है और बसव कल्याणी में भी हमारे संगठन है, अदर हमारे ट्रेड यूनियन से श्रीदेवी चूड़े हमारे साथ है, जब भी आशा बिसियोटा मिड डे मील्स आंगनवाड़ी पंचायत और एग्रीकल्चर वर्कर्स और अलग अलग गांवों में हमारे कमिटीज़ हैं, और 2 महीना पहला हमने यही स्टडी क्लास किया है, उस समय हमने अलग अलग गांवों में कमिटी के तरफ से जरिए कि लोगों को ये पॉलिटिकल समय हमें निर्णय लेना पड़ेगा, आप इसके बारे में कैंपेन करो बोले, हम उनके जगह में कैंपेन कर रहे हैं।